ने कार्य समिति में खुद ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां चार भुजा नाथ जी मंदिर से राज्य की यात्रा शुरू होगी और सीएम राजे ने कार्य समिति में खुद यात्रा को लेकर ये जानकारी दी है। तो सुराज गौरव यात्रा जिसका शुभारंभ करने वाली है बीजेपी, 1 अगस्त से चार भुजा नाथ जी मंदिर से ये यात्रा शुरू होगी, सीएम राजे ने ये जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। मदन लाल सैनी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद आज पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। राजधानी के तोतुका सभागार में ये बैठक चल रही है और सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत तमाम नेता बैठक में मौजूद हैं। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चुनावी साल को देखते हुए पार्टी की रणनीति तैयार की जाएगी और साथ ही राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। वहीं कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। तो राजनीतिक और आर्थिक हालात पर चर्चा हो रही है। कल समापन सत्र को अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का आज आयोजन हुआ है। 2 दिवसीय यह बैठक है। पहला जो दिन था वो आर्थिक और राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की गई है। प्रदेश में तोतुका सभागार में ये बैठक चल रही है। सीएम राजे मदन लाल सैनी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, उनसे बात करते हैं। आज आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये चरेवती चरेवती का नारा दिया, आखिर किस तरीके से कार्यकर्ता लगातार लगे? ये चुनावी वर्ष है, कार्यकर्ता काम पर लगे, समय दे, ये मैंने उनको कहा है। मैं सोचता हूँ कि कार्यकर्ता मेरे आह्वान को सुनकर आज जितना समय दे रहा है उससे ज़्यादा समय देगा और आने वाला 18 और 19 का चुनाव हम जीतेंगे। आपने इसके लिए ये मंत्र भी दिया कि सोने के 2 घंटे कम कर दिए जाए, विषय वही देना चाहिए जो एप्लीकेबल हो, जो संभव। 1 घंटा देरी से सो, 1 घंटा जल्दी उठो, 2 घंटे जो मिले उसको पार्टी का काम दे दो। इतने लाखों कार्यकर्ता 2-2 घंटे ज़्यादा दे देंगे तो किसकी ताकत है कि वो जमीन हम जीत नहीं लेंगे। कार्यकर्ता खुद ही परीक्षा देने वाला, खुद ही एग्जामिनर होगा, तो ये माना जाए कि परीक्षा की घड़ी आ गई है। ऐसा है कि ये परीक्षा की घड़ी का सवाल नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो कार्यकर्ता हैं ये स्वयं ही तय करें कि मैंने पार्टी के लिए कितना समय दिया। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने आज कार्यकर्ताओं को चरेवेती चरेवेती का मंत्र दिया है और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता खुद ये तय करे कि उसने किस तरह का काम किया है और कितनी कामयाबी वो पार्टी को दिलाने में सक्षम हो सकता है। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।